हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज के टाइम में पॉल्यूशन एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा है, और एटमॉस्फेयर छोड़िए, खाने पीने की चीजों में पॉल्यूशन है और एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन है, बाहर निकलते हैं तो हवा में पॉल्यूशन है, पानी में पॉल्यूशन है, और ये पॉल्यूशन बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स का कारण बन जाता है। स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, और स्किन की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है, हो तो बड़ी जल्दी जाती है लेकिन ठीक होने में बहुत टाइम लगाती है, बहुत मुश्किल से ठीक होती है। इसके लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है, और अगर डॉक्टरों के चक्कर में पड़ जाते, और पड़ना पड़ता है डॉक्टर के चक्कर में, अगर स्किन खराब है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, कौन सी दवाई आपको सूट करेगी तब तक आप दवाइयां बदलते रहते हैं। और मैंने खुद पर ये एक्सपीरियंस किया है, आज से 20 साल पहले मेरे यहां पर हाथ पर पता नहीं क्या हुआ कि हमेशा स्किन में बुरादा सा रहना शुरू हो गया, इतनी जगह में ऐसा लगता था जैसे कुछ पाउडर चिपका हुआ है, और देखने में भी अच्छा नहीं लगता था। थोड़े दिन के बाद ईचिंग भी शुरू हो गई, और उसका फिर मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट में क्रीम लगाई, जितनी देर क्रीम लगती थी उतनी देर वो नहीं दिखता था, लेकिन जैसे ही क्रीम का असर खत्म हुआ वो दोबारा दिखता था। फिर उसके लिए मैंने टैबलेट्स भी खाई, और बाद में मैंने पाया कि ज्यादातर स्टेरॉइड्स दिए जाते थे, और एक एक कंडीशन तो ऐसी आई कि डॉक्टर ने वहां पर इंजेक्शन लगा दिया, और जैसे ही इंजेक्शन लगाया स्किन क्लियर हो गई, लेकिन कुछ ही दिन के बाद जो इतना सा पैच था वो इतना बड़ा हो गया। उन्हीं दिनों गांव में गई, एंड आई वॉज वेरी लकी कि मुझे वहां एक ओल्ड लेडी मिल गई, ताई हमारी, तो वो आग के दूध से अस्थमा की दवाई बनाती थी। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि आप इतने अस्थमा की दवाई बना देते हो, मेरे हाथ की दवाई बना दो कुछ। तो उन्होंने मुझे एक पेस्ट बना के दिया, वो भी आग के दूध से। और आप यकीन मानिए, जो जिसके लिए मैं पिछले 2 साल से दवाइयां खा रही थी वो 2 दिन में कंट्रोल हो गया, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो हफ्ते 10 दिन के बाद वहां से निशान भी खत्म हो गया। और वो दिन है, और आज का दिन है, मैं 1999 की बात कर रही हूं जब मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था, और आज 2019 है, उसके बाद मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कभी कोई इसका उस जगह पर, ये बिल्कुल क्लियर जगह, वहां पर भी कुछ ऐसा भी नहीं दिखता है कि कभी प्रॉब्लम फिर हो जाएगा। क्या रेमेडी थी वो, इट वॉज अ मिरेकल। मैंने उनसे पूछा कि आपने ये जो दिया है क्या इसको कोई भी लगा सकता है, तो उन्होंने बताया कि हाँ, जिसको स्किन का प्रॉब्लम है, खाज है, खारिश है, खुजली है, एक्जिमा है, दाद है, सोराइसिस है, इस किसी भी प्रॉब्लम में अगर इस दवाई को लगा लेते हैं तो वो तुरंत असर करती है, तुरंत उसको ठीक करती है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप इसको दिन में 2 बार लगाएं, और 2 दिन कंटिन्यू लगाएं, 3रे दिन उसको मत लगाएं, 1 दिन का बीच में गैप दे, फिर 2 दिन लगाएं, तो 1 हफ्ते में ये बीमारी ठीक हो जाती है, मतलब स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आग जो है वो एक ऐसा पौधा है कि अगर उसका दूध, जिससे हम ये पेस्ट बनाएंगे, अगर उसका दूध कहीं आंख में लग जाए तो आंख खराब हो जाती है। तो इसके लिए प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है कि हम जब भी उसको यूज करें साबुन से बहुत अच्छे से हाथ धोएं यूज करने के बाद, और ये पूरा ध्यान रखें कि आंख में, आंख के आसपास भी वो लगना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ कुछ भी हो गया, आपने दवाई लगाते लगाते ऐसे कर लिया तो नुकसान हो सकता है। तो इस चीज का अगर ध्यान रखा जाता है, दवाई बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये बनानी कैसे है, और दूसरी बात ये कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगर आप बच्चों को ये दवाई लगाते भी हैं तो खास ख्याल ये रखा जाए कि वो उसको टच नहीं करें, क्योंकि बच्चों को नहीं मालूम है, उसको टच करेंगे आंख के पास चले गए तो नुकसान हो सकता है। तो ये अगर 2 चीजों का ध्यान करके ये दवाई को यूज किया जाए तो इट इज 100% गारंटी के 1 हफ्ते के अंदर अंदर स्किन का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं एक दूसरी जो थोड़ी सेफ रेमेडी है वो भी शेयर करती हूँ, तो वो भी बहुत इफेक्टिव है, दोनों ही बहुत इफेक्टिव, आपको जो सूट करे ज्यादा इफेक्टिव वो होगी। तो अगर आपको प्रॉब्लम है आप इन दोनों में से कोई एक लगा के देखिए, एंड आई एम श्योर आप मुझे मेल करके जरूर ये बताएंगे कि वाकई में ये कितनी इफेक्टिव थी। अभी पीछे किसी के हाथों में प्रॉब्लम, किसी बच्चे के मदर के हाथों में प्रॉब्लम हुई थी, और मैंने उनको एक रेमेडी बताई थी जो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है, और अभी आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने मुझे अभी मेल करके ये बताया है कि मेरी रेमेडी से उनके मदर के हाथ बिल्कुल ठीक हो गए। हाथ की फोटो भी उन्होंने साथ में भेजी है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये जान के मुझे खुशी होती है कि जो नॉलेज मुझे है वो लोगों तक पहुंच रही है और लोगों को फायदा कर रही है, और यही एक जो एक एक खुशी है, यही मुझे एनकरेजमेंट देती है आगे और कुछ ऐसा ही करने के लिए। ये लिखती हैं, योर रेमेडी वर्क लाइक मैजिक। इन्होंने अपनी मदर के हाथ की फोटो भी भेजी है और लिखा है कि जो ड्राइनेस था वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है और इनकी मदर को काफ़ी आराम हुआ है। साथ में ये भी बता रही हैं कि इनकी मदर डिटॉक्स वाटर भी लेती हैं, जो मैंने अपने वीडियो में दिए हुए हैं, और साथ में अब ये नी पेन के बारे में पूछ रही हैं। तो बेटा, नी पेन का वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है, आई होप वो आपकी काफ़ी मदद कर पाएगा। तो चलिए पहले रेमेडी बना लेते हैं। आज की रेमेडी बनाने के लिए, ये आक का पौधा है, जंगली पौधा है, जंगल में उगता है ये, और मैं डायरेक्ट वहीं से ले रही हूँ। इसका कोई भी पार्ट हम तोड़ेंगे, चाहे फूल तोड़ें या डंडी इसकी स्टेम तोड़ें या लीफ तोड़ें, वहीं से दूध निकलेगा और वो दूध ही हमें चाहिए। दो दिन की रेमेडी बनाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 8 बूंद दूध लगेगा, तो मैं 8 से थोड़ा ज़्यादा ही ले लूँगी क्योंकि घर जाते तक थोड़ा सूख भी जाएगा ये, तो 10 बूंद के करीब मैं दूध ले लूँगी। ये 2 पत्ते तोड़ने से मुझे मिल जाएगा, 2 जगह से तोड़ने से, और ये ले जाके इससे हम बनाएंगे अपनी रेमेडी। आग के पत्ते भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन तभी यूज़ कर सकते हैं जब उसका पूरी पूरी जानकारी हो, ऐसे अपनी मर्जी से यूज़ नहीं करना है और बहुत केयरफुली यूज़ करना है, आँखों को बचा के रखना है। अब यहाँ मैंने लिया है 10 बूंद मैं लेके आई थी, 2 सूख गया तो 8 के करीब बूंद इसमें बचा हुआ, ये दूध मैं ले लूँगी, और साथ में लूँगी नीम ऑयल। नीम ऑयल बनाने का तरीका, घर में बनाने का तरीका मैंने शेयर किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप नीम ऑयल मार्केट से भी ले सकते हैं, केमिस्ट के पास आराम से मिलता है। इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है, आप स्पून से इसको बहुत अच्छे से मिला लें। जैसे जैसे आप मिलाते जाएंगे तो आग का दूध जो है वो दाने दाने से होता जाएगा, मीन्स वो रेमेडी बन गई है, और बस उसके बाद तो इसको अप्लाई करना है। बहुत लाइट हल्के हाथ से उसकी मसाज देनी है और उसको छोड़ देना है 3-4 घंटे के लिए। ये पत्ते को ऐसा कहा जाता है कि ये रिब की साइड से अगर आप अपने शू में रखते हैं, जूते में रखते हैं और ऊपर से जूता पहन लेते हैं तो नी पेन में भी ये फ़ायदा करता है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है तो मैं कंफर्म नहीं बोल सकती हूँ। दूसरी रेमेडी बना रहे हैं करेले से। करेले के लिए धो लिया है करेला बहुत अच्छे से हमने, और इसका बीज, इसकी स्किन, इसका जो अंदर का पल्प है, सारी चीज़ हमने यूज़ करनी है। अगर आपके पास सिल बट्टा है तो पेस्ट बहुत अच्छा बन जाएगा, नहीं तो आप ग्राइंडर में डाल के बना सकते हैं, वो इतना अच्छा पेस्ट बनता नहीं है, थोड़ा मोटा रह जाता है, लेकिन फिर भी उसका इफ़ेक्ट काफ़ी होता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी बनती है। और थोड़ी देर के बाद, 15-20 मिनट के बाद, अगर ये झड़ जाता है करेले का पेस्ट तो कोई बात नहीं, नीचे का जो जूस का असर और जो ऑयल इसमें मिलाएंगे और जो दूसरी चीज़ मिलाएंगे उसका असर काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। आप 3-4 घंटे इसको रखें, दिन में 2 बार इसको यूज़ करें, और जब धोना हो सादे पानी से धोएं। इसके साथ मैंने कोकोनट ऑयल लिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच करेले का पेस्ट, 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, और साथ में चने के बराबर, जितना मोटा चना होता है, ब्लैक ग्राम जो होता है, उतना मैंने कैम्फर लिया है, कपूर जो हम पूजा में यूज़ करते हैं, ये नॉर्मल मिल जाता है, ये केमिस्ट के पास भी मिल जाएगा और पूजा की दुकान पर तो मिल ही जाएगा, और इनको अच्छे से मिलाना है, तीनों चीज़ को बहुत अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद इफ़ेक्टेड एरिया पर अप्लाई करें, ऐसे टिका दें उसको, क्योंकि पेस्ट हमारा मोटा है ना तो वो अच्छे से फैलेगा नहीं, इस तरीके से टिका दें। 15-20 मिनट तक उस जगह को थोड़ा सा स्टिल रखें ताकि ये गिरे नहीं। 15-20 मिनट के बाद ये ऊपर का जो करेले का पेस्ट है इसको आप हटा दें, हटा सकते हैं आराम से, और नीचे जो इसका जूस बच गया, जो ऑयल बच गया और कैम्फर का जो असर रह गया वो स्किन पर असर करेगा। तो ये दोनों ही रेमेडी बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही पावरफुल रेमेडीज़ हैं, सेफ हैं अगर प्रिकॉशंस के साथ की जाएं, और बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करने वाली है। आप इन्हें लगा के देखिए, बना के देखिए, और किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए, चाहे वो दाद खुजली हो, चाहे एक्जीमा हो, चाहे सोराइसिस हो। और ठीक होने के बाद अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सबकी मदद होनी चाहिए, सबका फायदा होना चाहिए। तो देखा आपने, ये रेमेडी आराम से बन जाती है। आप आग का दूध लें और एक बार में 2 दिन की रेमेडी बनाएं, क्योंकि 2 दिन कंटिन्यूस आपने लगानी है, ज्यादा मत बनाएं, और उसके बाद 1 दिन गैप करके फिर से बनाएं।
तो ये इस तरीके से बना के दोनों में से जो भी आपको सूट करती है आप इसके पूरे पूरे फायदे उठाएं, अपने कमेंट्स देके मुझे बताएं कि आपको कितनी जल्दी इससे फायदा हुआ। मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।